गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 टर्म 2 का पहला चैप्टर और पीरियोडिक 2 में आने वाला फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। ठीक, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इन सभी के बारे में जानेंगे। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, फिक्स्ड वैल्यू, और वेरिएबल चेंजेबल वैल्यू। कांस्टेंट का डेफिनेशन होगा कि एक सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। वेरिएबल, ए सिंबल having different numerical value is known as variables। जैसे constant 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या हो गए? constant। और variable हो गए 0, x, y, z, a, b, c ये सब हो गए variables। ठीक है, algebraic expression, इसका डेफिनेशन हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन, कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, ये चार मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ ये कॉम्बिनेशन हो किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का, उसे कहेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे ये 2x कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन इनटू 3x प्लस 9 कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल प्लस वेरिएबल कॉन्स्टेंट, ये हो गया दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्लस 7x³ x² ये भी आपका हो गया डिवीजन मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ पे माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये सब क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, उसके बाद कोफिशियंट। पहले कोफिशियंट हुआ कि द न्यूमेरिकल फैक्टर इज द कोफिशियंट, यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर किसका? इन्वॉल्व वेरिएबल का न्यूमेरिकल फैक्टर। जैसे यदि 2x है यहाँ पे, तो इस 2x में x से रिलेटेड जो कांस्टेंट होगा उसे कहेंगे हम इस वेरिएबल का कोफिशियंट। जैसे यहाँ पे 2x है, तो 2x में इन्वॉल्व कांस्टेंट क्या है? 2, तो ये हो गया कोफिशियंट। ठीक, जैसे 4x³ प्लस 3x² माइनस 7x, इसमें x का पूछे कोफिशियंट तो माइनस 7, x² का पूछे कोफिशियंट तो प्लस 3, x³ का कोफिशियंट पूछे तो 4। ठीक, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म हुआ कि जैसे 5 या 3 है, ये दोनों लाइक टर्म हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वॉल्व जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। इन्वॉल्व वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो अगर अलग अलग हुआ, इसका मतलब है कि वो लाइक टर्म नहीं बल्कि अनलाइक टर्म है। जैसे यहाँ पे देखो 3xyz, यहाँ पे -2xyz, ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल xyz, यहाँ पे इन्वॉल्व वेरिएबल xyz, ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, इसलिए ये लाइक टर्म हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म हो गया जैसे कि 2x, यहाँ पे 3y या 5y, ये दोनों अनलाइक टर्म, ये वेरिएबल x में है, ये y में है, वेरिएबल चेंज, इसलिए ये लाइक अनलाइक टर्म हो गया। 3x² 7xy 7yz, ये दोनों क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, अब कोफिशियंट समझ में आ गया। अब टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे 4x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 9, इसमें टोटल टर्म कितना हो गया? 1, 2, 3 और 4, इसमें टोटली 4 टर्म। तो
टर्म कहलाता है वो, कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ सेपरेटेड हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ अलग अलग हो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का टर्म, उसे कहेंगे हम टर्म। जितना कॉन्स्टेंट और वेरिएबल प्लस और माइनस इनटू और डिवाइड के साथ जुड़ा होगा वह उसका टर्म कहलाएगा। यहाँ पे कितना था, 1, 2, 3, 4, तो ये टोटल कितने हो गए टर्म, ये 4 टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के अनुसार, अगर एक टर्म का हो तो उसे कहेंगे हम मोनोमियल, दो टर्म का होगा तो उसे कहेंगे हम बाइनोमियल, थ्री टर्म का होगा उसे कहेंगे ट्राइनोमियल, और थ्री से अधिक या दो से दो या दो से अधिक टर्म जितने भी होंगे उन सब का एक स्पेशल नेम है जिसे कहेंगे हम पॉलीनोमियल। जनरली तीन टर्म तक हम नाम जानते हैं ट्राइनोमियल, फोर को कहते हैं क्वाड्रीनोमियल, फोर टर्म वाले को, लेकिन जनरली कहा जाता है पॉलीनोमियल का डेफिनेशन कि दो या दो से अधिक टर्म हो उसे कहेंगे हम पॉलीनोमियल, बहुपद जिसे हिंदी कहते हैं, हिंदी हो गया बहुपद, ठीक, जिसका हिंदी हो गया बहुपद, ठीक है।